हिंद महासागर में चीन से चल रही जोर आजमाइश के बीच भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए एक नई पनडुब्बी मिल गई है। दरअसल स्कॉर्पियन क्लास की पांचवी सबमरीन वागीर को मझगांव डॉकयार्ड ने तैयार कर भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। जल्द ही वागीर भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो जाएगी। इससे पहले भारतीय नौसेना और मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड यानी MDL ने बयान जारी कर बताया कि एक साल से ज्यादा से चल रहे व्यापक और कठोर परीक्षण के बाद वागीर अब इंडियन नेवी को सौंप दी गई है। बता दें कि INS वागीर स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ये बेहद आधुनिक नेविगेशन ट्रैकिंग प्रणालियों से लैस है। इसके साथ ही इसमें कई तरह के हथियारों को भी शामिल किया गया है। INS वागीर कई तरह के मिशंस को अंजाम दे सकती है, जैसे कि सतह विरोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, समुद्री बारूदी सुरंग बिछाना, क्षेत्र की निगरानी करना आदि। इस सबमरीन को ऑपरेशन के वक्त हर परिस्थिति में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं मौजूदा वक्त की बात करें तो इस वक्त भारतीय नौसेना के पास 17 पनडुब्बियां हैं, जिनमें 2 परमाणु पनडुब्बी हैं। इनमें से एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS चक्र है, जो भारत ने रूस से लीज पर ली है। साथ ही प्रोजेक्ट 75 के तहत जिन 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का निर्माण मझगांव डॉकयार्ड में चल रहा है, उनमें से 4 नौसेना की जंगी बेड़े में शामिल हो चुकी हैं। वागीर इस क्लास की 5वीं सबमरीन है। इसके अलावा सरकार ने नौसेना के लिए 6 अन्य पनडुब्बियों के लिए मंजूरी दे रखी है। बहरहाल हिंद महासागर में चीन की तरफ से भारत को लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। आए दिन हिंद महासागर में चीन की स्पाई शिप आने की खबरें आती हैं, जिसे देखते हुए भारत नौसेना को मजबूत बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।